स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्वच्छता के कार्यक्रमों को प्राथमिकता के साथ जनमानस तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता को लेकर संदेश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद के दिल्ली रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुख्य मार्ग पर पसरी गंदगी इस ओर इशारा करती है कि शायद इस ओर कोई देखने वाला भी नहीं है। पूरा मामला दिल्ली रोड नेशनल हाईवे लोधीपुर राजपूत का है। राष्ट्रीय राजमार्ग के संपर्क मार्ग के नाले ओवरफ्लो हो जाने से पूरे गांव की गंदगी उफन कर सड़क पर बह रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। बीते कई सप्ताह से इस मुख्य मार्ग की हालत बद से बदतर होकर रह गई है। इस ओर निकलने का मतलब खतरे को दावत देना है, क्योंकि सड़क की सारी गंदगी सड़क पर कीचड़ नुमा फैली हुई है। वाहन से निकलना तो बहुत दूर की बात, पैदल निकलना भी इस रोड पर दूभर हो चुका है। लोग इस रास्ते से निकलने से कतरा रहे हैं, लेकिन जब कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं तो मजबूरी में लोग इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। हर रोज ही इस कीचड़ से हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तेज रफ्तार वाहन इस रास्ते में फंस रहे हैं, तो वहीं मुख्य मार्ग पर बने सरकारी स्कूल भी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्कूल आने जाने के लिए बच्चे परेशान हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ग्राम प्रधान का कहना है कि उनके द्वारा इस समस्या को समाप्त कराया गया, नाले की सारी गंदगी को निकाला गया है। गंदगी के सूख जाने के बाद इस गंदगी को कूड़ाघर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। ग्राम पंचायत प्रशासन के द्वारा ही नाले की सफाई का काम कराया जा रहा है, जो अभी नाकाफी है। समय रहते इस ओर ध्यान देना होगा, वरना आने वाले दिनों में ये समस्या और विकराल रूप धारण कर लेगी। मुरादाबाद के दिल्ली नेशनल हाईवे पर बसी ग्राम पंचायत लोधीपुर राजपूत मुरादाबाद की ऐसी ग्राम पंचायत है जो मुरादाबाद की शान में चार चांद लगा रही है। लोधीपुर राजपूत में जहां दो दो यूनिवर्सिटियां हैं, तो वहीं मेडिकल कॉलेज भी लोधीपुर राजपूत की शान में चार चांद लगा रहा है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अनदेखी के चलते इन दिनों लोधीपुर राजपूत काफी चर्चाओं का विषय बनकर रह गया है। नेशनल हाईवे के किनारे के बसा यह गांव लोधीपुर राजपूत इन दिनों नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अनदेखी की मार झेल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाया गया नाला इन दिनों ओवरफ्लो हो चुका है और नाले की सारी गंदगी रोड पर पसर जाने से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय रहते अगर इस ओर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में और खतरा बढ़ने की संभावना क्षेत्रवासी महसूस कर रहे हैं, तो कई तरह की बीमारियां भी इस क्षेत्र में पैर पसारने लगी हैं। लोगों का कहना है कि इस गंदगी को अगर साफ नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ेगा। मुरादाबाद से सिटी चैनल के लिए शकील सैफी की एक रिपोर्ट।